नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की की हुकूमत और तुर्की के लोगों में इस वक्त बहुत गुस्सा है और इस घटना की वजह है इराक में तुर्की के 13 लोगों की हत्या। इस घटना के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान आग बगुला हो उठे हैं। एर्दोगान ने आज वो कारनामा कर दिया जो दूसरे देश के लोग सपने में भी करने से डरते हैं। तैयब एर्दोगान ने अब अमेरिका को खुली धमकी दे डाली है। जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद तुर्की ऐसा पहला देश है जिसने अमेरिका को खुली वार्निंग दे डाली है और साथ ही ये भी कहा है कि आपके पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो आप हमारे साथ हैं या तो आप आतंकवादियों के साथ हैं। जहां एक तरफ दुनिया भर के देश जो बाइडन के एक फोन के लिए तरस रहे हैं, वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने व्हाइट हाउस को धमकाते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को बताना होगा कि अमेरिका हमारे साथ है या आतंकवादियों के साथ। अब से 20 साल पहले यही धमकी अमेरिका ने दुनिया को दी थी, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से समझाती हूं। अभी दो दिन पहले इराक में कुर्दों के एक आतंकवादी संगठन पीकेके ने तुर्की के 11 लोगों को बंदी बना लिया था। उसमें तुर्की के नागरिकों समेत कुछ सैनिक भी शामिल थे। उसके बाद पीकेके ने एक गुफा के अंदर इन सभी लोगों की हत्या कर दी। उसके बाद तुर्की सेना ने ऑपरेशन चलाया और बदले में 42 कुर्दिश आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। बंदी बनाए गए 13 लोगों में से 12 लोगों के सर काट दिए और एक सैनिक के सिर में गोली भी मार दी। इन लोगों की मौत की खबर सुनते ही तुर्की में गुस्से का तूफान आ गया और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान बुरी तरह भड़क उठे। एक सभा को संबोधित करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि अमेरिका तुर्की के खिलाफ आतंकवादी संगठनों का साथ दे रहा है। एर्दोगान ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक बयान पर भी निशाना साधा जिसमें कहा गया था कि अमेरिका बंदी बनाए गए लोगों की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करेगा अगर ये साबित हो जाता है कि इनकी हत्या पीकेके संगठन ने की है। एर्दोगान ने कहा कि अमेरिका ये क्यों नहीं कह देता कि वो इराक और सीरिया में कुर्दिश आतंकवादियों का समर्थन करता है। आपको बता दें, पिछले 30 सालों से कुर्द तुर्की सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। ये वही कुर्द हैं जिनका कत्लेआम का बहाना बनाकर अमेरिका ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया था। अब इन्हीं कुर्दों का इस्तेमाल अमेरिका तैयब एर्दोगान के खिलाफ कर रहा है। अमेरिका के अलावा कई और भी देश कुर्दों को सपोर्ट करते हैं। एर्दोगान ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को ये साफ करना होगा कि वो हमारे साथ है या आतंकवादियों के साथ। इसी के साथ एर्दोगान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका नेटो में हमारा सहयोग चाहता है तो उसे हमारे साथ होना होगा। आपको बता दें, तुर्की नेटो का अमेरिका के पास सबसे बड़ा सहयोगी है। नेटो में दूसरी सबसे बड़ी फौज तुर्की के पास है। ऐसे में अगर तुर्की नेटो से बाहर निकल जाता है तो नेटो को इसकी भरपाई करना मुश्किल होगा और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि तुर्की नेटो से बाहर जाए। इसके अलावा तुर्की ने अमेरिकी राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया और अमेरिका के बयान पर अमेरिकी राजदूत को कड़ी फटकार लगाई। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।